हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है चौहान एकेडमी में। हम चौहान एकेडमी में आज से मैथ्स से शुरू करने जा रहे हैं, जो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा, जैसे एमपी कांस्टेबल, एमपी टेट और बहुत सारी अदर एग्जाम होती है, उनके कॉम्पिटिटिव के लिए हम आज से मैथ्स से शुरू करने जा रहे हैं। इसलिए आज फर्स्ट क्लास है, उसमें हम संख्या पद्धति पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मेरा चैनल जो चौहान एकेडमी खंडवा है, उसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि सब्सक्राइब करने से आपको आगे आने वाले नोटिफिकेशन और मेरी अगली क्लासों के लिए लिंक मिल जाएगी। और बेल आइकन को भी दबा देना ऑल वाले को, तो आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलता जाएगा। अभी हम मैथ्स की क्लास से स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अलावा हम रीजनिंग और जीके की क्लास भी ली जा रही है हमारे द्वारा, और साइंस की भी लेंगे। मतलब आपका ऑल सब्जेक्ट एमपी कांस्टेबल का और अदर एग्जाम में से रिलेटेड जो भी रीजनिंग और साइंस वगैरह आता है, वो सब हम कंप्लीट करवाएंगे। तो आप आज से हम मैथ्स की क्लास शुरू करने जा रहे हैं, और पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम हम देखते हैं। नंबर सिस्टम, जैसे आप सभी को मालूम है नंबर सिस्टम क्या होता है। नंबर सिस्टम मीन्स संख्या पद्धति। संख्या पद्धति हर चीज में संख्या पद्धति का यूज होता है। जैसे हम मार्केट में मार्केटिंग करने जाएंगे, कोई सा भी कार्य, बैंक का या किसी में भी, हर चीज में हम नंबरों का यूज करते हैं। नंबर से हम स्टार्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एकदम डायरेक्ट कठिन पढ़ाने से जो सभी प्रकार के बच्चे, उनको हमें सिखाने का हमारा प्रयास है। एकदम डायरेक्ट कठिन चीज से पढ़ाने से जो जो बच्चे अभी स्टार्टिंग वाले हैं, उन्हें समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम अंकों से या संख्या से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अंक देखते हैं। तो जो अंक होते हैं हमारे, अंक में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 तक हमारे अंक शामिल होते हैं। ये हम 0 से स्टार्ट करते हैं और 9 तक चलते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, अंक। दूसरी चीज होती है, अंक में भी बहुत सारे अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, विषम संख्या, सम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, इन सबको हम देखेंगे। हमें ये देखने में बहुत इजी लगते हैं, लेकिन जब इसका मैथ्स आते हैं तो हम हड़बड़ाहट में बहुत सी छोटी छोटी चीजों को गलत करके आ जाते हैं। तो हमें छोटी चीज से, एक एक नंबर हमें छोटी चीज से भी मिल सकता है। तो हमें, हमारा अधिक से अधिक प्रयास ये होना चाहिए कि हमें हर चीज कवर करना है। तो सबसे पहले हम, अब इसका जो प्रकार है, पहला है प्रकार हमारा प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या वे संख्याएं होती है जो 1 से स्टार्ट होती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और डैश डैश डैश, मतलब अनगिनत होती है ना प्राकृत संख्या। इसमें प्राकृत संख्या मतलब नेचुरल नंबर, जिसको हम देख सकते हैं। जैसे बर्ड्स हैं, बर्ड्स का कभी हम, बर्ड्स हैं, हमारी फिंगर्स हैं, ये 0 से स्टार्ट तो नहीं होगी फिंगर्स। बर्ड्स हैं, इनकी जब हम काउंटिंग करेंगे तो हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 से। तो प्राकृत संख्या मतलब जो नेचुरली चीजें दिखाई देती है और उनके हम काउंटिंग शुरू करते हैं, तो वो कहाँ से शुरू करते हैं, 1 से। दूसरा होगा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मीन्स संख्याओं का परिवार। संख्याओं के परिवार में 0 भी शामिल होता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
ये भी अनगिनत होती, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और ये डेज डेज डेज। इसके बाद है सम संख्या। सम संख्या में वे चीजें शामिल होगी जो हमारे नंबर होते हैं, अंक होते हैं, जो हमारे अंक होते हैं उसमें सम संख्या वे संख्याएं होंगी जो 2 से 4 से 2 से जो डिवाइड रहेगी वो हमारी क्या रहेगी, सम संख्या। जैसे 2 से जो डिवाइड रहेगी वो हमारी क्या रहेगी, 2 से 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं क्या रहेगी, 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं दो से विभाजित होने वाली संख्या क्या रहेगी, हमारी सम संख्या रहेगी। इसके बाद है विषम संख्या। ये बहुत सरल चीजें हैं लेकिन हमें बेसिक से ही स्टार्ट करना पड़ेगा ताकि सभी को समझ में आए। विषम संख्या में क्या होगा, विषम संख्या वे संख्या होगी जो 2 से विभाजित नहीं होगी, 2 से विभाजित नहीं होने वाली, 2 से विभाजित नहीं होने वाली संख्या क्या रहेगी, नहीं होने वाली संख्या 2 से विभाजित नहीं होने वाली संख्या क्या रहेगी, जो 2 से विभाजित नहीं होगी वो विषम संख्या होगी। तो विषम 2 से विभाजित होने वाली में आ जाएगा जिसके जो संख्या के पीछे 0 रहा, 2 रहा, जिसके भी पीछे 0 रहा, 2 रहा वो संख्या हमारी क्या आएगी, जिस संख्या के पीछे 0, 2, 4, 6, 8 इस प्रकार से संख्याएं रही वो हमारी क्या आ जाएगी, उसके पीछे होने को ना 0, 2, 4, 6, 8 ये अंक जिनके भी पीछे होंगे वो 2 से विभाजित हो जाएंगे। जैसे मान लो तुमने 10 लिया तो 10 को 2 से विभाजित करते हैं तो हो जाता है पूरा पूरा विभाजित 5 आता है, तो इसका मतलब ये सम संख्या रहेगी। और मान लो 2 से विभाजित नहीं होने वाली संख्या तो उसके पीछे ये वाले अंक नहीं रहेंगे, जो 2 से विभाजित होंगे उनके पीछे 0, 2, 4, 6, 8 रहेंगे और जो 2 से विभाजित नहीं होंगे उनके पीछे 0, 2, 4, 6, 8 नहीं रहेंगे। मान लो 13 रहा, 13 2 से विभाजित नहीं होता है, ये 2 से विभाजित नहीं होता तो 13 क्या हो जाएगी, हमारी विषम संख्या, 13 क्या हो जाएगी, विषम संख्या। 12 है, 12 2 से विभाजित होता है पूरा पूरा 6, तो 12 क्या हो जाएगी, सम संख्या। इस प्रकार से ये सम विषम है ना। अब अगली चीज है भाज्य और अभाज्य। भाज्य संख्याएं वे होती है जो भाज्य संख्याएं वे होती है जो स्वयं से तो सब संख्याएं आपस विभाजित होती है, स्वयं से तो संख्याएं विभाजित होती है लेकिन उसके अलावा किसी और संख्या से कभी विभाजित हो जाती है वही संख्या, तो वो क्या रहेगी, भाज्य संख्या रहेगी। अब हम भाज्य और अभाज्य संख्या देखेंगे। अब है फिफ्थ वाली भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या वे संख्या होती है जो या तो स्वयं से विभाजित होती है, स्वयं से तो सॉरी भाज्य संख्या वे संख्या होती है जो उसके अलावा किसी और से भी विभाजित हो जाए। जैसे हमारी जो संख्याएं स्टार्ट होती है वो 1 से स्टार्ट होती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये जो भी प्राकृत संख्या है हमारी, इससे ही हम एक ये प्राकृत संख्या की सीरीज में ही हम भाज्य और अभाज्य को समझ लेते हैं। जैसे जो प्राकृत संख्या की ये सीरीज रहती है उसमें जो ये 1 होता है, 1 एक ऐसा डिजिट है या अंक है जो ना तो भाज्य होता है और ना अभाज्य होता है,
वन एक ऐसा अंक है जो ना तो भाज्य होता है ना अभाज्य होता है। अब जब हमसे पूछा जाता है कि सबसे छोटा अभाज्य, अब वन एक ऐसा डिजिट है जो ना तो भाज्य होता है ना अभाज्य होता है, और इसके अलावा जो टू है, टू भी हमारा क्या रहेगा, टू भी हमारा क्या रहेगा, अभाज्य संख्या रहेगी। टू हमारी क्या रहेगी, अभाज्य संख्या, क्योंकि टू दिखने में हमको सम दिखता है तो हमें ऐसा लगता है कि ये भी भाज्य है, लेकिन सम होने से भाज्य का मतलब नहीं है। भाज्य का मतलब वो है जिसमें किसी और संख्या से भाग जाता है, और दो में किसी और से भाग नहीं जाता है। दो में या तो खुद का भाग जाता है बस, या तो खुद का भाग जाता है और किसी और संख्या से भाग नहीं जाता। तीन में भी, तीन भी क्या होगी, अभाज्य होगी, क्योंकि तीन में भी या तो खुद से भाग जाता है या खुद तीन का ही जाता है। चार हमारी भाज्य रहेगी, उसके पीछे कारण ये है कि खुद का तो जाता है चार में, लेकिन दो से भी चला जाता है चार में। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी संख्याएं हैं उसमें या तो किसी और संख्या से भाग जाता है तो वो भाज्य संख्या रहेगी, और किसी और संख्या से भाग नहीं जाता है तो वो अभाज्य संख्या रहेगी। लेकिन हमारा एकमात्र एक ऐसा है जो ना तो भाज्य कहलाता है ना अभाज्य कहलाता है। क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए, और ऑप्शन रहते हैं 1, 2, 3, 5। तो ये 1, 2, 3, 5 ये चारों अंक ऐसे हैं जो चारों अभाज्य हैं। उसके पीछे कारण ये है कि वन में भी वन का ही जाता है भाग, टू में भी टू का ही जाता है, थ्री में भी थ्री का भाग जाता है, फाइव में भी फाइव का भाग जाता है। इसके अलावा इनमें और किसी के भाग नहीं जाते हैं। लेकिन सबसे छोटी की जब बात आती है, सबसे छोटी की बात आती है तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो होती है, ना कि एक, क्योंकि एक को अभी तक ना तो भाज्य माना है ना अभाज्य माना है, इसलिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या कहलाएगी, दो। ठीक है, एक ही उससे मतलब समझ, ये जो प्राकृत संख्या की सीरीज है जो वन से स्टार्ट होती है, इससे हम समझ सकते हैं कि वन भाज्य अभाज्य दोनों नहीं होता है, दो अभाज्य होता है। क्यों, दिखने में सम संख्या है लेकिन उसके पीछे लॉजिक ये है कि उसमें खुद का ही भाग जाता है। तीन, तीन भी अभाज्य कहलाएगा क्योंकि तीन में भी स्वयं का ही भाग जाएगा। चार भाज्य कहलाएगा क्योंकि चार में दो से भाग जाता है। पांच भी अभाज्य की श्रेणी में आएगा, छह भाज्य की श्रेणी में आएगा क्योंकि छह में दो का भाग जाता है, तीन का भाग जाता है। सात अभाज्य की श्रेणी में आएगा, आठ भाज्य की श्रेणी में आएगा क्योंकि आठ में दो से भाग जाता है, चार से भाग जाता है, आठ से भाग जाता है। ऐसे बहुत सारे आगे नंबर है, हमें तो एक चीज समझनी है कि जब स्वयं का भाग जाए तो वो भाज्य, और स्वयं का तो जाता ही है, और उसके अलावा किसी और से भी भाग जाए, किसी और संख्या या अंक से भाग जाता है, किसी और संख्या से भाग जाता है तो वो क्या, काय की श्रेणी में आ जाएगा, अभाज्य की श्रेणी में। ये दो चीजें बस हमें ध्यान रखनी है। इतना ध्यान रखने के बाद तुम बस एक वन नंबर वाला वन अंक को ध्यान में रखना कि भाज्य भी नहीं होता है और अभाज्य भी नहीं होता है। इस प्रकार से हमारी चार पांच चीजें कवर हो चुकी है। सबसे पहली प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर जिसे हम गिन सकते हैं, वो स्टार्ट होते हैं वन से, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डैश डैश, है ना, डैश डैश में अनगिनत आ जाता है। दूसरा है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या जीरो से स्टार्ट होती है क्योंकि वो जो संख्याएं अंक होते हैं उनका क्या है, पूरा परिवार, तो परिवार में जीरो भी शामिल होता है। प्राकृत वन से स्टार्ट होता है, पूर्ण जीरो से स्टार्ट होता है। सम संख्याएं वे संख्याएं होती है जो दो से विभाजित होती है, विषम संख्या वे संख्याएं होती है जो दो से विभाजित नहीं होती है, भाज्य संख्या वे संख्या होती है जो या तो स्वयं से विभाजित होती है वो भाज्य संख्या होती है, अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती है जो स्वयं से विभाजित होती है, और जो भाज्य संख्या होती है वो स्वयं से तो विभाजित होती है, साथ में
ये गलत हो गया है, स्वयं ये वाला गलत स्वयं से विभाजित होने वाली संख्या अभाज्य रहती है, स्वयं से विभाजित होने वाली अभाज्य और स्वयं और किसी और संख्या से विभाजित होने वाली भाज्य। इतनी चीजें समझ में आ गई है। अब इसके अलावा आगे और संख्याओं से संबंधित बहुत सारी संख्याएं हैं, वो हम जब गणित करेंगे और उनका कभी यूज होता है तो हम उसे देख लेंगे। अब आगे सहअभाज्य और बहुत सारी और संख्याएं भी शामिल है। संपूर्ण संख्या, संपूर्ण संख्या एक संपूर्ण संख्या एक अलग टॉपिक है, मतलब इसमें ही है संख्या में। कभी कभी पूछ लेते हैं संपूर्ण संख्या क्या होती है। संपूर्ण संख्या मीन्स जो उसके अपवर्त निकलते हैं। संपूर्ण संख्या मीन्स संपूर्ण संख्या वे संख्या होती है जो उनके अपवर्तक निकलते हैं, उनका योग कभी उनसे डबल आ जाता है तो वो क्या हो जाती है, संपूर्ण संख्या। जैसे 6 लिया मान लो, 6 के अपवर्तक क्या हो जाएंगे, 1 2 अपवर्तक जिसका इसमें भाग चला जाता है, 1 2 3 और 6। एक का भी 6 में भाग जाता है, 2 का भी जाता है, 3 का भी जाता है, 5 का नहीं जाता है, 4 का भी नहीं जाता है, 6 का जाता है। अब यदि हम इनका योग करते हैं तो आता है 1 2 3 3 3 6 6 6 12। मतलब इससे क्या आता है, डबल आ जाता है, 6 से डबल आता है, इसका 2 गुना आता है। इसका मतलब यह हुआ कि ये हमारी कौन सी संख्या हो गई, संपूर्ण। ऐसी बहुत सी संख्या है जैसे 28। 28 कभी हम लेते हैं तो 28 के अपवर्तक क्या होंगे, 1। पहले हम अपवर्तक लिख लेते फिर बीच में प्लस लगा लेंगे, 1 2। 3 का जाता है क्या, नहीं जाता है, 4। 5 का भी नहीं जाता, 6। 6 का भी नहीं जाता, 7। 7 का जाता है, 8 का नहीं जाता, 9 का भी नहीं, 10 का भी नहीं, 11 का भी नहीं, 12 का भी नहीं, 13 का भी नहीं, 14 का जाता है और स्वयं 28 का जाता है। अब इनको कभी हम ऐड करते हैं तो 1 2 3 3 4 7 7 7 14 और 14 28, 28 और 28 56। तो हमारी 28 भी क्या होगी, संपूर्ण संख्या। मतलब संपूर्ण संख्या का मीन मतलब यह हुआ कि जो भी संख्या है और उसके अपवर्तक निकलते हैं और उनका योग कभी हमको जो संख्या दी हुई है उसका 2 गुना है तो वो हमारी संख्या क्या कहलाएगी, संपूर्ण संख्या। 2 गुना तब होगा जब हम ये लास्ट वाला ये जो नंबर दिया है वो भी लेंगे, यानी स्वयं का स्वयं से भाग वाला, है ना। इसके अलावा अब इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये सब बहुत छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन हमको ये सीखना जरूरी है। जो बच्चा शुरुआत से शुरू कर रहा है उसको शुरू से ही बताना जरूरी है ना। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्हें आगे तक आता है लेकिन हमें सभी को लेके चलना पड़ेगा। अब इकाई, अब ये बहुत छोटी छोटी चीजें जो फर्स्ट में हमने देखी थी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 हजार और ये लाख, ना। अब जो भी हमारा नंबर स्टार्ट होता है, जो नंबर का पैटर्न रहता है हमारा, तो हम नंबर की शुरुआत कहाँ से करते हैं, पीछे से। जैसे मान लो 4 अंकों का हमारे पास नंबर दिया कि 3,222, तो इसका जो इकाई रहेगा वो सबसे पीछे वाला नंबर, ये क्या रहेगा, इकाई। ये रहेगा इकाई, ये रहेगा दहाई, ये रहेगा सैकड़ा और ये रहेगा हजार। तो ऐसे एग्जाम में हमें मान लो ऐसा आ जाता है तो
तो हमें लगती वो छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन जब इनके ऑप्शन रहते हैं चार, तो हम जो ऑप्शन रहते हैं वो सब एक दूसरे से सिमिलर रहते हैं, तो हम क्या करते हैं हड़बड़ाहट में जल्दी से, मान लो रहता है 3,23,456 ऐसा रहता है, तो हम जल्दी से क्या सोचते हैं 3 के पीछे जल्दी जल्दी में 3 लाख वाले को सही लगाते हैं, बल्कि सही कौन सा होगा 32,34,568। तो ये चीजें भी हमको आनी चाहिए कि संख्या को पढ़ा कैसे जाता है। तो इकाई जो हमारे ये सबसे पीछे वाला अंक रहेगा, ये इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा, ये हजार, ये 10,000, ये लाख और ये 10 लाख, इसे आगे तक की सीरीज रहती है ना। तो हमें मान लो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में कि ये नंबर दे दिया और उसका चार विकल्प दे दिए कि 32,34,568, 3,23,456, 3,323,4,568, ये ऐसे ऑप्शन, तो हम हड़बड़ाहट में गलतियां कर देते। ये चीजें बेसिक है लेकिन ये भी आना सब जरूरी है। अब अगली चीज है, इसमें भी आगे लाख करोड़ है ना। अब अगली चीज है, हमको जैसे कोई सा नंबर दे देते हैं एग्जाम में, विभाज्यता के नियम में कोई सा भी हमको नंबर दे देते हैं और हमको चार ऑप्शन दे देते हैं, जैसे दे देते हैं 328 और लिख देते हैं कि ये चार ऑप्शन दे देते हैं, पहला दे दिया मान लो 2, अगले और ऐसे ऑप्शन दे दिए और लिख देंगे कि ये किससे विभाजित है चारों ऑप्शन में से। तो हमें विभाज्यता के ऐसे नियम है, और वो नियम किसी को याद होते हैं किसी को नहीं होते हैं, तो वहां पे जो ऑप्शन रहते हैं उनको देख के भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो जिससे हो जाते हैं नियम याद अच्छी बात है, और नहीं होते हैं तो हम डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव देख के भी उनको भाग दे के वहां पे कर सकते हैं। नियम से जल्दी हो जाएगा और थोड़ा सा नए नियम आते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इसके लिए हम जैसे नियम देख लेते हैं, जिसको हो जाते हैं नियम तो अच्छी बात है, नहीं तो घबराने की कोई जरूरत नहीं, वहां पे जो विकल्प रहते हैं उनको देख के सॉल्व हो जाता है। जैसे पहला है, एक का नियम तो सबको मालूम ही है कि क्या होता है, जैसे 2 से विभाज्यता का नियम, 2 से विभाज्यता का नियम, 2 से विभाजित कौन सी संख्या होगी, अभी हमने सम संख्या में भी देखा था, सम संख्या ही वाली चीज है जिसके भी पीछे 0, 2, 4, 6, 8 ये नंबर जिसके भी पीछे रहेगा वो 2 से विभाजित रहेगा। दूसरा है 3 से विभाज्यता नियम, 3 से विभाज्यता के नियम में क्या रहेगा, जो भी हमको संख्या दी रहेगी उसके अंकों का योग 3 से विभाजित होता है तो वो संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 3 से विभाज्यता का नियम, इसके नीचे यही है ना, विभाज्यता 3 से विभाजित होने का नियम रहेगा कि हमको मान लो कोई सा भी अंक दिया रहे, जैसे कोई सी भी संख्या दी रहे, जैसे 513 दिया रहे, तो इनके जो अंकों का योग है, अंकों का योग कभी 3 से विभाजित हो जाता है तो ये संख्या भी 3 से विभाजित रहेगी। जैसे 5 और 1 6, 6 और 3 9, 9 3 से विभाजित होता है तो कितना आता है 3, मतलब ये पूरा पूरा विभाजित है, इनके अंकों का योग पूरा पूरा विभाजित है तो ये संख्या भी पूरी पूरी विभाजित होगी, करके देख लो चाहे ना। 513 को हम 3 से कभी डिवाइड करते हैं तो ये ऐसा कभी वहां एग्जाम में हम जिसको नहीं आता है वो ऐसा करके भी देख सकता है, कोई ज्यादा समय नहीं लगता है, और नियम भी उसके सरल है, इतने कठिन नहीं है। 2 से विभाज्यता का तो आपको मालूम ही है, जो सम संख्या है
सम संख्या वाला नियम है वही, 2 से विभाजित होने वाला है, 3 से विभाजित होने का नियम भी, जो हमको संख्या दी हुई है उनके अंकों का योग कभी 3 से विभाजित है तो वो संख्या भी 3 से विभाजित रहेगी। अगला है 4 से विभाजिता का नियम। 4 से विभाजित होने के लिए नियम रहेगा कि या तो उसके पीछे 0 रहेगा या जो पीछे वाला, या तो उसके पीछे 0 रहेगा या चार से विभाजित होने का नियम रहेगा, 4 से विभाजित होने के या तो संख्या के पीछे 0 होगा तो भी 4 से, सॉरी 0 का हमेशा जो उसके इकाई और दहाई वाले अंक है, जो भी संख्या हमको दी है और उसके इकाई और दहाई वाले जो अंक है, जैसे हमको मान लो दे दिया 4 4 8, तो इकाई और दहाई वाले अंक ये कभी 4 से विभाजित होते हैं तो हमारी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी, जैसे 1 और ये 2, तो ये 4 से विभाजिता का नियम है। इसके अलावा फिर अगला है 5 से, तो 5 से विभाजिता का नियम क्या रहेगा, 5 से विभाजिता का नियम, 5 से तो सबको मालूम है जो पीछे जिसके भी 0 रहता है या 5 रहता है वो 5 से विभाजित होता है, जिसके भी पीछे 0 होगा या 5 होगा वो 5 से विभाजित होगा। अगला है 6 से विभाजिता का नियम, तो 6 से विभाजित होने का नियम क्या रहेगा, जो भी संख्या 2 से विभाजित हो गई और 3 से विभाजित हो गई, 2 से भी होने को होना 3 से भी होने को होना, वो संख्या 6 से भी विभाजित रहेगी। जैसे मान लो लिया हमने कोई सी बड़ी संख्या, जैसे हम लेते हैं जैसे 48 है, 48 है ये 2 से भी विभाजित होती है और 3 से भी विभाजित होती है, ये 2 से भी विभाजित हो जाती है पूरी पूरी और 3 से भी विभाजित हो जाती है, इसलिए 48 काय से 6 से भी विभाजित रहेगा। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 से ही होने को होना, दोनों संख्या से विभाजित होगी जब भी वो 6 से विभाजित होगी, है ना। जैसे मान लो 22 है, 22 है हमारे पास, तो ये 6 से विभाजित नहीं होगा, कारण क्या है, 2 से तो हो रहा है, 2 से विभाजित हो रहा है, इससे विभाजित हो रहा है, लेकिन 3 से विभाजित नहीं हो पा रहा पूरा पूरा, है ना। इसलिए 6 से विभाजित होने का नियम ये है कि 2 से भी विभाजित होने को होना और 3 से भी, 2 और 3 दोनों से विभाजित होते हैं तभी ये पूरे पूरे विभाजित होते हैं ना। इसके अलावा जो 10 से विभाजिता का, तो पीछे 0 रहेगा वो 10 से विभाजित हो जाएगा। ऐसे विभाजिता के बहुत सारे नियम है, जिसे आ जाए अच्छी बात है और नहीं आते हैं तो उसमें नर्वस होने वाली बात नहीं, वहां पे जो ऑप्शन रहते हैं उनको देख के भी हम नियम बना सकते, मतलब सॉल्व कर सकते हैं। अब हम इसके कुछ मेथड देख लेते हैं, ये जो बेसिक गणित बेसिक थ्योरी देखी है इसके कुछ मेथड सम्स है उनको हम देख लेते हैं। ये जैसे हमारे पास, अब इसके अलावा एक स्थानीय मान वाली चीज हमने देखी नहीं, स्थानीय मान क्या होते हैं, अभी स्थानीय मान और जातीय मान ये दोनों हम देखते हैं। कुछ कभी कभी आ जाता है कि स्थानीय मान और जातीय मान, तो स्थानीय मान क्या होता है ये भी हमको देखना पड़ेगा। स्थानीय मान, स्थानीय मान ये भी फर्स्ट सेकेंड में हमने पढ़ा है, है ना। स्थानीय मान जैसे कोई सी संख्या हमको दे देते हैं 5 5 6 7, इसमें पूछ लेते हैं 6 का स्थानीय मान बताइए, 6 का स्थानीय मान बताइए। कभी कभी हमारे से इतने सरल चीजें भी पूछ लेते हैं कि इसका स्थानीय मान बताइए, तो स्थानीय मान में हमें क्या करना है, 6 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, जो 6 है वो लिख लो
पीछे जितने भी डिजिट है उतने क्या लग जाएंगे, जीरो। तो सिक्स का स्थानीय मान क्या आ जाएगा, स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 6 0, है ना। सेवन का स्थानीय मान क्या आएगा, 7 आएगा। 5 का स्थानीय मान क्या आएगा, 5 0 0। मतलब जो भी संख्या दी हो हमको 2 3 4 7, इसमें मान लो पूछा 3 का स्थानीय मान तो 300, 4 का स्थानीय मान तो 40, 7 का स्थानीय मान तो 7, 2 का स्थानीय मान तो 2 0 0, क्योंकि 2 के पीछे कितने डिजिट है, 3, तो 3 0 लगा लेंगे। इसके अलावा एक जातीय मान होता है, स्थानीय मान और जातीय मान सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन इनकी अलग अलग वैल्यू है ना। जैसे 5 5 6 7, इसमें बोल दिया कि 6 का स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर कितना होगा, तो 6 का जो स्थानीय मान है वो क्या रहेगा, 6 0। जो जातीय मान है, जातीय मान मतलब उसकी खुद की क्या पहचान है, खुद की क्या जाति है, वो उसका जाति मान रहेगा। जैसे 6 की पहचान 6 है तो 6 का जाति मान क्या हो जाएगा, 6। मतलब कोई सी भी संख्या का, कोई सी भी संख्या दी हो 2 3, इनका जो अंतर होगा वो हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन क्या पूछा था, 5 6 7 में 6 का स्थानीय मान और 6 का जातीय मान, 6 का ये हो गया स्थानीय मान और ये हो गया जातीय मान, इसका अंतर। ये हमको छोटी सी संख्या है, छोटी सी नहीं आएगी, थोड़ी सी बड़ी लेंगे वो, तो 6 का स्थानीय और 6 का जातीय मान का अंतर। ये सब बहुत सारे एग्जाम्पल या गणित कोई से भी ले सकते हो आप। जैसे पूछ लिया कि 4 का स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर, तो 4 का स्थानीय मान हो गया 400 और जातीय मान हो गया 4, और इनका जो अंतर आएगा वही हमारा आंसर होगा। अब ऐसे बहुत सारे सूत्र हैं, बहुत सारे नियम हैं, तो इतने सारे नियम सूत्र याद करना सभी बच्चों के लिए पॉसिबल नहीं है, तो उसको हम देखते हुए मैथ्स करना शुरू करते हैं, और जैसे जैसे कोई से फार्मूलों की कभी ज़रूरत पड़ती है तो यूज़ करेंगे, और जहाँ तक जितने कम फार्मूले यूज़ हो उतना ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि फार्मूले याद करना थोड़ा सा कठिन काम है, डायरेक्ट करने से ज़्यादा ईजी होता है गणित। अब हम कुछ मैथ्स सॉल्व करके देखते हैं नंबर सिस्टम से रिलेटेड। जैसे ये है, उनको हम यही सॉल्व करते जाते हैं ना। जैसे पहला है कि 4 3 9 0 6 7 5 में 9 का स्थानीय मान बताइए, तो 9 का स्थानीय मान अभी हमने देखा, 9 ये हमारा, नौ ये है इसका स्थानीय मान। मतलब इसके पीछे कितने डिजिट है, ये 1 2 3 4, तो जिसके भी पीछे 4 0 है तो हमारा थर्ड वाला आंसर सही रहेगा, है ना। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। अगला है 4 5 6 7 8 में 6 के स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर क्या है। अंकित मान मतलब जातीय मान, अंकित जातीय का ही नाम क्या है, अंकित है। जो अंकित है उसका ही नाम क्या है, जाति, और जाति का नाम अंकित। मतलब 4 5 6 7 8 में 6 के स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर बताइए, तो 6 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 6 0 0, और अंकित मान क्या हो जाएगा, 6। मतलब 6 0 0 में से हमको 6 माइनस करना है, तो आंसर क्या आएगा, 5 9 4, 5 9 4, देखने से ही पता चल रहा है ना, और कभी माइनस करके देखना हो तो देख सकते हैं। 4 अंकों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 89 से पूर्णतः विभाजित हो।
चार अंकों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करना। तो कभी कभी हमें क्वेश्चन से ज्यादा हमको ऑब्जेक्टिव देख के कभी हम सॉल्व करते हैं तो ज्यादा जल्दी होता है। उसके पीछे कारण ये है कि 89 से पूर्णतः विभाजित हो, तो उस हमको जो चार ऑप्शन है उसमें हम केबीसी जैसे एक एक को हटा के उसके मेन आंसर पे पहुंच सकते हैं। कैसे? जैसे ये है 106 है, अब इसके जो चार ऑप्शन है तो इसमें से इसको तो एक सिरे से खारिज कर दीजिए, क्योंकि 89, 102 और 90 ये एकदम क्लोज है। तो 90 का कभी टेबल भी पढ़ते हैं तो 90 के डबल में भी नहीं आएगा, मतलब ये तो 90 के क्लोज है, तो ये तो एक सिरे से हट जाएगा। इसके अलावा हम एक तरीका ये यूज कर सकते हैं 90 से ये पूर्णतः विभाजित के लिए, कि जो 90 का टेबल होता है तो 90 में हम कभी 10 का गुणा करते हैं तो आता है 890, 890 आता है। तो अभी जो तीन संख्या है वो हमारे इसके लगभग है, तो हमको न्यूनतम पूछिए, तो न्यूनतम तो इसको ये तो सब में अधिकतम दिख रही है, तो ये दो ऑप्शन को लेके चलो अभी, मतलब ये दो ऑप्शन को लेके चलना है, ये कभी नहीं विभाजित हुए तो यही आंसर रहेगा, तो ये कभी हम लेते हैं तो 890 और कभी 89 का 2 में कभी आप इंटू करते हैं तो 89 का 2 में करो या 90 का 2 में करो, तो 90 का 2 में करते हो तो कितना आता है 180, 180 में से 2 घटा लो कितना आएगा 178, उसको जोड़ो 8, 9 और 7 16, बचा एक 8 और एक 9 है 10, हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा ये वाला। अब बच्चा वहां क्या करेगा, 89 से इसको भाग दे के देखेगा, इसको देख के देखेगा, इसको ऐसा वाला भाग दे के नहीं देखना है। जो भी हमको संख्या दी रहे उसमें ऐसा भाग दे के देखोगे ना तो कभी पहला ऑप्शन नहीं सही निकला और सेकेंड भी नहीं सही निकला, थर्ड भी नहीं, तो फोर्थ तक तो ऐसा करने में बहुत टाइम खत्म हो जाएगा। उसकी वजह जो संख्या दी है उसका दसवा तो आप, जिसको बिल्कुल भी पहाड़े नहीं आता उसको इतना तो मालूम रहता है कि दो के पहाड़े में दसवें में क्या आएगा, तीन के पहाड़े में दसवें में क्या आएगा, तो 89 के टेबल में दसवा 89 टेंजा क्या आएगा 890, 890 हमारा मिला जैसे ही, तो मतलब इनसे लगभग कोई सी संख्या होगी, तो 890 में एक बार और 89 जोड़ लो, फिर एक बार और 89 जोड़ लो, कभी जो भी संख्या मिल जाएगी वो हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अगले में भी ऐसे ही करेंगे, चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 88 से पूर्णतः विभाजित हो। अब इसमें भी यही करो, चार ऑप्शन जो दिए हुए हैं उसमें इसको तो एक सिरे से हटा दो, क्योंकि 88 सम संख्या है और ये विषम में इसमें तो जाएगा ही नहीं, बचे तीन ऑप्शन पूर्णतः विभाजित हो, तो यहाँ पे जैसे सम संख्या है तो हमको एक थोड़ा सा ऐसा लगता है कि सम वाला ही ऑप्शन सही रहेगा, ये भी गया काम से, ये भी विषम है, तो अभी दो में से कोई सा भी आंसर आएगा, अभी दो में से कौन सा आंसर आता है तो दोनों में भाग दे के देख लो, इसमें भी दे के देख लो, इसमें भी दे के देख लो। तो सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि जो 11 के गुणा जाते हैं उनको हम उसके कभी भाग देते हैं तो तोड़ लो तो ज्यादा सरल गणित हो जाता है, जैसे ही है ये 88 है, 88 को अपन ऐसा भी तोड़ सकते हैं ना, 11 गुणित 8, 11 से आसानी से कट जाएगा, 11 हमने 99, दो संख्या 11 चौक 44, अभी 8 से काट के देख लो, 8 एकम 8 बचा एक 8 एकम 8 और 8 या 24, मतलब हमारी ये वाली संख्या क्या आ जाएगी आंसर आ जाएगा। ऐसा थोड़ा सा ट्रिक लगानी पड़ेगी, मतलब सबसे अच्छी चीज तो ये हमने इसको कैंसिल कर लिया कि विषम तो आ ही नहीं सकते। अब दशमिक प्रणाली में चार अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं,
ये देखने के बहुत आसान गणित है, लेकिन इसमें हमको हड़बड़ी नहीं करना है। एकदम से हड़बड़ी में व्यक्ति ये वाला आंसर लगा देगा कि 4 अंकों की कुल संख्या है तो 4 बार 9 है वो आएगा। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा है उसको पढ़ो। दशमिक प्रणाली में 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं? दशमिक प्रणाली में 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं? तो संख्याएं काय से स्टार्ट होती है 4 अंक की? 1000 से। 1000 से होती है, 1000 से जो 9999 ये जो है यहां तक चलती है। 4 अंक हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं? सबसे छोटी संख्या 4 अंक की 1000 है, और सबसे बड़ी क्या है? 9999। तो जो हमारा आंसर है वो ये आएगा। उसके पीछे रीजन ये है कि दशमिक प्रणाली में 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती है। तो 4 अंकों की कुल कितनी संख्या? तो 1000 से चली और 9999 तक चली, तो इसके ऊपर तक कितने थे? 9999। तो ये इसमें से हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो जो आंसर आएगा हमारा वो क्या आएगा? 9000। इसके पहले तक तो 3 ही डिजिट वाले थे ना, हमको 4 अंकों की पूछी हुई। 4 अंक की शुरू 1000 से हुई और 9999 तक चली, तो आंसर 9999 नहीं आएगा, क्योंकि 4 अंक से पहले तो 3 अंक 9999, फिर 9000 सॉरी 9999 तक चले ना, तो इसमें से इसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, अब इसमें बच्चा क्या लगा के आएगा? अधिकतर जिसको नहीं पता रहेगा वो एक, बल्कि अभाज्य संख्या मैंने अभी बताया था कि जो एक है वो ना तो भाज्य है और ना अभाज्य है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2। हमारा जो सही आंसर है वो क्या रहेगा? 2। 1 से 20 तक के अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा? अब ऐसे गणित करने के लिए हमको थोड़ी सी ट्रिकी मेथड अपनाना पड़ेगा। ट्रिकी मतलब इसके सूत्र भी है, एन वाले सूत्र है। सम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग, सम संख्याओं के वर्गों का योग, विषम संख्या के वर्गों का योग। तो सूत्र याद करने की वजह हम दूसरे तरीके भी अपना सकते हैं ना। जैसे प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, प्रथम 15 पूर्ण संख्याओं का योग क्या होगा। ये सभी एक प्रकार के मतलब एक जैसे ही सम्स है। तो इसके लिए जैसे ये है, प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा? तो जो भी प्राकृत संख्या होती है, 1 से स्टार्ट, 1 से जो स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 डैश 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 एन, इनका जो योग होता है, इनका जो योग रहेगा, प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं का योग हमको निकालना है। तो जो इनका योग रहेगा उसका एक फॉर्मूला होता है, ये एन संख्याओं का योग नहीं, तो एन संख्या का योग का फॉर्मूला आता है n n+1/2। अभी सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे सूत्र है संख्याओं के योग ज्ञात करने के लिए। हमको तो ये ध्यान रखना है कि जो सीधी सिंपल संख्या है तुम्हारी, एक से लगा के 25 तक दी है, 1 से 30 तक दी है, 1 से 40 तक दी है, उनका योग कभी पूछा है? तो जो भी संख्या है उससे एक ज्यादा ले लो और 2 से भाग दे दो। जो भी संख्या है उससे एक ज्यादा ले लो और 2 से भाग दे दो। या जो भी संख्या है लास्ट में, जितनी भी संख्या का योग पूछा है उससे एक ज्यादा लेना है और 2 से भाग देना है। जैसे इसमें पूछा है 25, 25 से एक ज्यादा क्या हो गई? 25 से एक ज्यादा क्या हो गई? 26। और 2 से क्या दे देना है? भाग। और इनके बीच में गुणा रहेगा, है ना। एक प्रकार से सूत्री है। सूत्र कैसा? प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं का योग। तो प्रथम 25, 25 यहाँ रखा, 25 में एक जुड़ा 26/2, तो 25 × 26/2। तो 2 से जब इसमें भाग दोगे तो क्या आएगा? 26 का आधा कितना होता है? 13। 25 का जब 13 में गुणा करोगे तो कितना आएगा? 25 का 13 में 13 × 5 = 65, 6 13 × 26 और 6, 26 और 6 कितना होगा?
32, तो आंसर क्या जाएगा हमारा, 325। मतलब यहाँ पे मान लो दे देते हैं कि प्रथम 40 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, तो क्या आता 40 × 41/2, और 40 को 2 से काटते तो 20 आ जाता, 20 में 41 का गुणा करते वो आंसर आ जाता। कोई सा भी जैसे दे दिया प्रथम 40 प्राकृत संख्याओं का योग, तो क्या करेंगे 40 × 41/2, तो ये कट गया, ये 20 आया, 20 का 41 में जो गुणा करेंगे और जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर। ये लेकिन वहां नहीं काम करेगा कि बीच में तोड़ दी सीरीज को, ये वहां पे काम करेगा जहां पे पूरे नंबर हो, 1 से लगा के 25 तक, 1 से लगा के 30 तक, 1 से लगा के 32 तक, उस समय ये काम देगा, है ना। वो तोड़ने वाले के लिए भी एक फार्मूला नहीं, मतलब एक तरीका है गणित करने का, वो भी अभी हम सीखेंगे। अभी तो बस कभी तुमको आता है कि 25 प्राकृत संख्या का योग बताओ, 30 प्राकृत संख्या का योग बताओ, 10 प्राकृत संख्या का योग बताओ, तो हमको सीधा क्या करना है, 10 × 11/2। 15 प्राकृत संख्या पूछा, 15 प्राकृत संख्या का योग तो 15 × 16/2। 20 प्राकृत संख्या पूछा तो 20 × 21/2, मतलब एक बढ़ा के ना 2/2 करना है, है ना। अब प्रथम 15 पूर्ण संख्या का योग क्या होगा, प्रथम 15 पूर्ण संख्या का योग क्या होगा, ये पूर्ण संख्या में भी काम कर देगा, है ना। प्रथम 15 पूर्ण संख्या का योग क्या होगा, अब यहाँ भी अपन ये वाली चीज इसमें भी काम कर जाएगी, 15 × 16/2, 15 × 16/2 क्या करेंगे, 15 और उससे एक ज्यादा ले लो 16/2, ये से कटा तो कितना आया 8, 15 × 8 = 120, ये हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। अब ये जो सीरीज वाले हैं जिसमें अब यहाँ एक से स्टार्ट नहीं है, एक से स्टार्ट होता कभी 1 से 40 तक ऐसे दिए रहते, कभी 1+2+3+++ तो यहाँ पे भी यही वाला जो हमने ये 2 में फार्मूला लगाया था वो लगा के हम कर सकते थे 40 × 41/2, लेकिन आगे उनने 15 तक की सीरीज तो है तोड़ दी है, स्टार्ट कैसे किया है 16, 17, 18 और 40, तो इसके लिए भी एक तरीका है। क्या तरीका है, इसके लिए भी हमें तरीका यूज कर सकते हैं, वो तरीका ये है, जो सीरीज टूटी हुई है उसको कभी हम माइनस कर ले। जैसे हमको कोई से संख्या दी है, मान लो तुमको दिया है 2+3, तो कभी हम इसमें 1 को प्लस कर दे और 1 को माइनस कर दे, तो उससे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 में 1 गया, 0 आना तो 5 ही है, इसका आंसर भी 5 आएगा, 2 में 3 को जोड़ोगे इसका आंसर भी क्या आएगा, 5 आएगा। तो ये वाली जो ऐसा टूटी हुई सीरीज आएगी, मान लो मतलब वो जो सीरीज रहेगी वो कंटिन्यू होने को होना, लेकिन आगे से मान लो वो टूटी हुई है, तो उसके लिए एक चीज हम करेंगे कि यहाँ पे हम ऐसा ऐसा मान लेते हैं, इतना करना नहीं है एग्जाम में, लेकिन हम जैसे मान लेते हैं कि जो 15 तक की सीरीज है वो हमने ले ली, उसके बाद ये जो दी हुई है हमारी 16 + 17 = 40, है ना। अब लेकिन जब हमने ये ली है तो इतने को माइनस भी करना पड़ेगा, क्योंकि गणित में ऐसा नहीं होता है कि कहीं से भी कोई भी आ सकता है, कोई आया है तो उसको जाना भी पड़ेगा। हमने जब 1 से 15+ तक की सीरीज ली है तो उतने को हमको माइनस भी करना पड़ेगा। माइनस कैसे, −1+2+15, तो इससे हमारा ये होगा कि हमको जो प्लस वाली सीरीज है वो पूरी मिल जाएगी 1 से लगा के 40 तक की। तो जो हमने ये 2 चीज में फॉर्मूले अपनाए थे कि 1 से हमको 25 तक का कैसे निकालना था, 0 से 15 तक कैसे निकालना था, ऐसे ही ये जो हमको दिया है 16 से लगा के 40 तक, इसमें हमने आगे क्या करा, 1+2+3 = 15 तक की सीरीज को क्या कर दिया, यहाँ पे जोड़ दिया। तो ये जोड़ी है तो यहाँ पे इसको क्या करना पड़ेगा, इसको घटाना भी पड़ेगा, 1+2+3 = 15,
तो एक प्रकार से ये हमको एक पूरी सीरीज मिल गई जहाँ पे ये वाला सूत्र लग जाएगा, और एक ये वाली सीरीज मिल गई यहाँ पे भी ये सूत्र लग जाएगा। कैसे? ये वाले में हो जाएगा, ये वाला जो इतना भाग है इसमें कौन सा सूत्र लग जाएगा, 40 × 41/2 ये वाला है ना, और ये वाले में भी हमको लगाना पड़ेगा ऋण 15 × 16/2। अब जिसके हैबिट में आते जाएगा वो बटे दो लिखने की बजाय डायरेक्ट जो हमको दिया रहेगा उसको आधा कर देगा, जैसे 40 है तो 40 × 20 कर देगा। अब 20 × 41 और यहाँ हो जाएगा 15 × 8। अब 20 का जब 41 में गुणा करोगे तो आएगा 820, और ये 15 × 8 = 120, तो आंसर आ जाएगा 700। ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 700 ना। अभी जो ऐसी टूटी हुई सीरीज वो होना कंटिन्यू सीरीज, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि 16 फिर −18 − 20, उसके लिए भी फिर एक अलग तरीका है। लेकिन एक तो हमारे सिंपल वाले प्राकृत संख्या होगी जो स्टार्टिंग से 15 हुई 20 हुई 25 हुई, और एक ऐसी टूटी हुई है ना। अब ये 11th वाले से हम कल देखेंगे। आपको कभी मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो आप चौहान एकेडमी KNW चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कर सकते हैं, और ऑल नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए उसके बेल आइकॉन को दबा दीजिएगा। थैंक यू।